इंदौर में सावेर थाना क्षेत्र के बजरंग पालिया में इनो प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि यहां पैकेजिंग मटेरियल उत्पादन बनाने का काम किया जाता था। बड़ी मात्रा में फैक्ट्री में मौजूद पॉलीथीन और केमिकल के चलते आग के विकराल रूप ले लिया और फैक्ट्री में मौजूद केमिकल में आग से ब्लास्ट और धमाके हुए। लगभग 10 अलग अलग दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं आग बुझाने के दौरान दमकल जवान कृष्णकांत झाड़िया आग में झुलसने से घायल हो गए, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बना हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल दमकल की टीम समय रहते मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। इसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि बता दें कि फैक्ट्री से लगे आसपास और भी कई अन्य फैक्ट्रियों और खेत मौजूद है। वहीं सुरक्षित सभी फैक्ट्री कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। भीषण आग की चपेट में आने के चलते फैक्ट्री में मौजूद और रॉ मटेरियल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिसका अनुमानित कीमत करोड़ रुपए में बताया जा रहा है। टेलीफोन आएगा सुबह 4 बजे आया था। अच्छा सर, क्या कितने टैंकर लगे अभी आज? टैंकर तो अभी मेरी गाड़ी फायर ब्रिगेड के 9 गाड़ी लगी है। टैंकर 12 का टैंकर लगे अभी आए। अभी 6:30 बजे का नगर निगम टैंकर आया। हमारे पास तो 12 ही गाड़ी टैंकर सर आ गए थे। सर क्या कहेंगे, आगजनी कितनी फैल चुकी है? आप तो पूरे डैमेज है, पूरी कंपनी का सेट गिर गया है। सर कोई जनहानि वगैरह की कोई जनहानि नहीं? हमारा फायर ब्रिगेड करने जो ऊपर सेट से गिर गया था और लपटी आई तो बीच में घूमने गिर गया था, उसको डैमेज फेयर में आई फायर ब्रिगेड। क्या लगता है सर कितनी देर में आग पर काबू हो जाएगा? लग जाएगी, 2-1 बज जाएगी। दोस्तों इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट।